हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि प्लीज आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो है लेक्चर आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 17, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा आज के टॉपिक में, वो टॉपिक है हमारा एंजाइम कैटेलिस्ट। ओके, इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अगर आप रीकैप थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हो, ओके, रीकैप के बारे में अगर आप सुनना चाहते हो, तो हमने स्टार्ट किया था रेट ऑफ रिएक्शन से। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, या फिर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने अलग अलग ग्राफ देखे, ठीक है, अलग अलग ग्राफ देखे। देन उसके बाद हमने बहुत सारे और भी, जैसे अगर आप ये कंसिडर करो, अगर अलग अलग हमने मैकेनिज्म देखे, अलग अलग फिर हमने ये थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को देखा, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर की है। ओके, और इसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने जो ये था गार्डिनर इफेक्ट था, गार्डिनर इफेक्ट का जो कोलिजन थ्योरी था, ओके, उसको यहाँ पे हमने देखा। गार्डिनर इफेक्ट में हमने कोलिजन थ्योरी को देखा था। कोलिजन थ्योरी में भी आपको सारी चीजें प्रूव करके दिखाई थी, जो पूरी तरह से बेस होता है आपके आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को मॉडिफाई करके ये गार्डिनर कॉन्सेप्ट बना था, गार्डिनर थ्योरी बनी थी। और गार्डिनर को प्रूव करने के लिए एक तो कोलिजन थ्योरी थी और दूसरा था आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके, ये दो चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा हमारा एंजाइम कैटेलिस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर कोई भी रिएक्शन करते हो, सपोज मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी है, ओके, ये आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन क्या करता है, हमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये आपको पता है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट वाला हो गया पार्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मुझे इंक्रीज करना है, ओके, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, तो मुझे इसके लिए कैटेलिस्ट की जरूरत होती है। ओके, तो आपको ये तो समझ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जो एक सरल भाषा होती है, सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता दिया कि कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ओके, कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन को बदलने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम कैटेलिस्ट का एक डेफिनेशन भी देख लें कि कैटेलिस्ट क्या होता है, ओके, तो कैटेलिस्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ओके, इट अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप मेरे साथ इस चीज को नोट कर ले, इट अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड विथाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस। ओके, तो कैटलिस्ट की यही एक बहुत बड़ी एक ये होती है, और उसकी खूबी होती है कि वो रिएक्शन में तो पार्ट लेता है, लेकिन रिएक्शन में पार्ट लेने के टाइम पे वो किसी के साथ कोई ये नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं करता, वो किसी के मैटर में वो अब घुसता नहीं है, यानी किसी के साथ वो कोई भी बॉन्डिंग या किसी तरीके का को कोई भी रिलेशन वो शेयर नहीं करता। ओके, अगर आप इस चीज को अगर आप देखोगे कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, वो कैटलिस्ट क्या करता है, वो थोड़ा सा अगर हम देखें, ओके, तो कैटलिस्ट कैन प्रोवाइड, यहाँ पे आप एक लिख देता हूं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथवे। ओके, अल्टरनेट पाथवे। अभी आप बोलोगे कि अल्टरनेट पाथवे का मतलब क्या होता है। ओके, सपोज अगर आपके पास एक, अगर आप सपोज अपने आपका एक एग्जांपल ले लो, पहले हम एक क्या करते हैं, अपने सोशल लाइफ से कनेक्ट करके एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आप हो, ठीक है, अगर आपको यहां से अगर आपके स्कूल तक जाना हो या कॉलेज तक जाना हो, ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ठीक है, जिस रास्ते का इस्तेमाल आप एवरीडे करते हो, रोज करते हो, ठीक है, ये रास्ते का इस्तेमाल आप रोज करते हो, लेकिन सपोज कहीं से कोई एक आपका मित्र आता है, ओके, और आपको बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूं, जो इसका क्या है, अल्टरनेट पाथवे है, जो आपको क्या करेगा, अगर आपको यहाँ पे 30 मिनट लग रहे थे आपको स्कूल जाने के लिए, तो
तो आप अगर मेरा रास्ता फॉलो करोगे तो आपको 20 मिनट में ही आप क्या पहुंच जाओगे, अपने स्कूल पे पहुंच जाओगे। ओके, तो वो तो दोस्त ऑफ कोर्स यही रास्ता चूज करेगा क्योंकि उसका टाइम भी यहाँ पे सेव हो रहा है, और ये रास्ता क्या है उसके घर से एकदम सीधा सीधा ही है। उसको खाली फोकट यहाँ पे यानी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एफर्ट के उसको इतना लंबा रास्ता नहीं कवर करना पड़ेगा आगे से। तो वो क्या करेगा, इस रास्ते की तरफ फोकस करेगा, और अपना जो इसका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड की जो बात है उस फ्रेंड की बात को क्या करेगा, मानेगा। लेकिन मुझे बताओ, जब ये ए से स्कूल पे जा रहा है, तो अगर आप स्कूल पे जा रहे हो तो क्या उसका फ्रेंड उसके अंदर इन्वॉल्व है जाते समय? नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ क्या कर रहा, वो एक तरह से अल्टरनेट पाथवे का वो बता रहा है उसको, एक अलग से जो एक इनपुट होता है ना, एक अलग से उसको नॉलेज है, वो उसको क्या कर रहा है, सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, और वो किसी भी तरीके से इसमें पार्ट नहीं ले रहा है। तो यही एक मतलब होता है किसी भी कैटलिस्ट का, वो आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन हेल्प करते समय वो किसी भी तरीके से आपके साथ वो किसी तरीके का कोई भी बॉन्डिंग या किसी तरीके का कोई भी रिलेशन वो शेयर नहीं करेगा। ओके, जैसे सपोज अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे अगर आपके पास ये एक रिएक्टेंट है, अगर आप इस रिएक्टेंट से कोई भी अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म करते हो, ठीक है, ये क्या है आपके पास रिएक्टेंट है, अगर इस रिएक्टेंट से अगर आपका कोई भी अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन आपका एक जिस तरीके से होना चाहिए, एक एकदम स्टेडी स्टेट में चलेगा, यानी जो उसका नॉर्मल स्टेट है। ओके, नॉर्मल जो उसका नॉर्मल स्टेट है, ओके, नॉर्मल स्टेट है, उसी के साथ वो क्या करेगा, अपने रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर दूं, ओके, जिसके कारण ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास रिएक्शन तो वही है ए प्लस बी, ठीक है, आप इसके अंदर क्या करो, एंजाइम कैटेलिस्ट को यहाँ पे ऐड कर दो, जिसके कारण क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा, साथ साथ में जो एंजाइम कैटेलिस्ट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी आप मुझे बताओ, क्या एंजाइम कैटेलिस्ट ऐड करने पे किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट आपको प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें कैसा होता है कि अगर आपने एंजाइम कैटेलिस्ट ऐड भी किया ना, तो भी आपको किसी तरीके का कोई भी जो एक रिएक्शन है आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर नहीं दिखता है। ओके, तो यही सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सीखनी है आपके आज के टॉपिक में, जो आज का टॉपिक है एंजाइम कैटेलिस्ट। लेकिन एंजाइम कैटेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रीवियस लेक्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने आरहेनियस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आरहेनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस कॉन्सेप्ट। ओके, ये क्या था, आरहेनियस का इक्वेशन था, और आरहेनियस का इक्वेशन में क्या, एक उसका जो ग्राफ था ना, वो ग्राफ आप समझो, थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर आप ध्यान दो। उसका ग्राफ पता है किस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस था। ओके, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, इस तरीके से उसने ग्राफ दिया था। ओके, ग्राफ में यहाँ पे आपको एनर्जी दी थी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दी थी, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट दिया था, इस तरीके से क्या था आपका ग्राफ आपको दिया था, इन आपका जो अरहेनियस इक्वेशन था उसके अंदर। सपोज अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है ए, अगर ए से अगर आप, ये आपका रिएक्टेंट है, सपोज अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए नहीं लेता, अगर आपके पास रिएक्टेंट है, अगर आप रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, और यहाँ पे आपका किसी तरीके का कोई भी कैटेलिस्ट नहीं है इन्वॉल्व है, नो कैटेलिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नो कैटेलिस्ट। ओके, ये आपका क्या हो गया, केस नंबर वन हो गया, आप इसको ध्यान रखो, ये आपका केस नंबर वन हो गया। तो सपोज यहाँ पे अगर आपका कोई रिएक्टेंट है, अगर ये रिएक्टेंट अगर ये रिएक्शन भी करता है, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे स्टेज पे आएगा जहां से वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये आप मानते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये वाला होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड जो उसका आर मैक्स होता है, यानी जहां पे वो क्या करता है रिएक्शन ये करता है, मतलब उसका जो एक रिएक्शन पॉइंट होता है, जो सबसे ज्यादा जहां पे मैक्स होता है, जहां पे वो पूरी तरह से क्या करता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर मैक्स कहते हैं। ओके, तो आर मैक्स, डिस्टेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द आर मैक्स इज नोन एज द एक्टिवेशन
एनर्जी, ओके। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका होगा, ये अनकैटेलाइज होगा, यानी ये क्या होगा, अनकैटेलाइज होगा, ठीक है। अभी यहां पे आपको अनकैटेलाइज तो मिल गया, अभी सपोज आपने क्या किया है, इसी रिएक्शन में आपने एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ओके। यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे इसी रिएक्शन में एक कैटलिस्ट को ऐड कर दिया है। तो अभी कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स जो आपका रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट तो यहां से आपका रिएक्शन शुरू करेगा, लेकिन कैटलिस्ट होने के कारण वो रिएक्शन को क्या करेगा, जल्दी कंप्लीट कर देगा, ओके। तो जल्दी कंप्लीट करेगा तो जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, वो और कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे यही सारी जो चीजें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके पास कैटलिस्ट होता है तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, और जब आपके पास कैटलिस्ट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ओके। तो आप इस चीज को चाहो तो आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे, ओके। अल्टरनेट पाथवे आप लिख लो, या आप ये भी कर सकते हो कि आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट, ठीक है। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो आपका सिंपल से अल्टरनेट पाथवे, यानी एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट, और जिसके कारण आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप कोई भी, अगर आप ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इसका अगर आप नोट करते हो ना, तो ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके। जो इसका ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आएगा ना, यानी इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो सारी चीजों को भी यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज अगर आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की अगर वैल्यू अगर हाई है, ओके, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑफ कोर्स क्या होगा, आपका हाई होगा। यानी अगर ये हमने पढ़ा था, चाहे आपका अरहेनियस का कॉन्सेप्ट ले लो, हुड का कॉन्सेप्ट ले लो, या फिर गार्डिनर का कॉन्सेप्ट ले लो, उसमें हमने ये साफ साफ पढ़ा था कि जो आपका रेट कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है, ओके। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, ये आपको बताना है, यहाँ पे हमने आपको बताया है। तो आई थिंक आपको यहां तक तो कोई दिक्कत यहां तक फेस करने के लिए नहीं मिली होगी, ओके। अभी यहाँ पे हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा कि कैटलिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं, कैटलिस्ट किस तरीके से हेल्प करता है, कैटलिस्ट किस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे देखता है, ओके। किस तरीके से कैटलिस्ट का एडिशन करने पे हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है, ओके, जल्दी मिलता है, किस तरीके से उसका ग्राफ आता है, वो सारी चीजें पढ़ी। अभी हमारा जो मेन जो टॉपिक था, वो हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट, ओके। अभी एंजाइम कैटलिस्ट के अंदर हमने क्या देखना है, वो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका एंजाइम कैटलिस्ट है उसको यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट, ओके। अभी यहां पे आप सिंपली अगर एंजाइम कैटलिस्ट को अगर पढ़ना चाहते हो, ओके, तो ये आप एक मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस मतलब अगर जैसे आपको पता है कि आप कोई भी अगर आप चीज पढ़ते हो ना किसी साइंटिस्ट के द्वारा उस चीज को प्रूव किया जाता है, ओके। तो सेम चीज यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट के साथ भी था। अगर आपको टू स्टडी द एंजाइम कैटलिस्ट, वन मैकेनिज्म आर गिवेन बाय मिचेलिस मेंटन, ओके। तो ये जो एक साइंटिस्ट थे ना, मिचेलिस मेंटन, इन्होंने क्या किया था, एक मैकेनिज्म दिया था, और उस मैकेनिज्म के मतलब उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ही हम लोग ने क्या किया है, एंजाइम कैटलिस्ट का जो स्टडी है वो हमने किया है, ओके। अभी अकॉर्डिंग टू द मिचेलिस मेंटन उन्होंने क्या बताया था, वो आप ध्यान से देखो, ओके। उनका ये कहना था कि अगर आपके पास क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है,
ये एंजाइम कैटलिस्ट के अंदर अगर आपने किसी सब्सट्रैक्ट को अगर आपने ऐड किया, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण आपका एंजाइम सब्सट्रैक्ट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और फिर एंजाइम सब्सट्रैक्ट से आपका क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो आपने एंजाइम डाला है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये उनका कहना था, एक ओवरऑल जो मिचेलिस मेंटेन्स का एक जो मैकेनिज्म था वो इसी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर जो आपका ई है, ई क्या है, आपके पास एंजाइम है, ठीक है, ये आपके पास एंजाइम है, और आपके पास जो एस है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस है वो क्या था, आपका सब्सट्रैक्ट था, ठीक है, सब्सट्रैक्ट था, ओके, और जो आपका यहाँ पे ई एस था वो ई एस क्या था, आपके पास ई था, ई एस था आपके पास एंजाइम, एंजाइम सब्सट्रेट, ओके ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या था, पी आपके पास क्या था, पी आपके पास था प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने एक सिंपल सा एक मैकेनिज्म दिया, और उस मैकेनिज्म के हिसाब से उन्होंने प्रूफ करा कि किस तरीके से आपका जो एंजाइम कैटेलिस्ट है वो पूरी तरह से बेस ऑन है मैचेलिस मेंटन के एक मैकेनिज्म के ऊपर, ओके, और इस मैकेनिज्म के अंदर आपको एंजाइम सब्सट्रेट और प्रोडक्ट और साथ में जो एंजाइम उसका होने वाला था वो सारी की सारी चीजें वो निकल जाती है, ओके। अभी यहाँ पे अगर उनका मैकेनिज्म देखे तो उनका मैकेनिज्म किस तरीके था, ओके, तो उनका जो मैकेनिज्म था कि अगर आपने कोई एंजाइम लिया, सपोज ये आपके पास एंजाइम है, अगर आपने उस एंजाइम को किसी सब्सट्रेट के साथ क्या किया, एडिशन किया, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो कन्वर्जन हो रहा है वो एंजाइम सब्सट्रेट के अंदर हो रहा है, ओके। तो ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, जिसके कारण अगर आप एंजाइम प्लस अगर आप सब्सट्रेट करते हो तो एंजाइम सब्सट्रेट मिलता है, जिसका रेट कॉन्स्टेंट होता है K1, और अगर आप इसी चीज को अगर आप रिवर्स कर देते हो तो इसका क्या होता है, K-1, ओके। उसके बाद जो एंजाइम सब्सट्रेट होता है, उस एंजाइम सब्सट्रेट से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके, और प्रोडक्ट प्लस आपका जो एंजाइम है वो आपका क्या होता है, बाहर निकलता है, ओके। अगर आप इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझेगा कि ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन आपको दिख रहा है ये एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ओके। और हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एक चीज हमने नोट की थी, ओके, कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है तो आप उसका क्या करो, सिंपली जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप उसका लिख दो, ओके। तो इसके अंदर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो तीन तरीके से क्या होगा, ये अलग अलग पार्ट में आपको मिलेगा। सबसे पहला आपका एंजाइम, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे सब्सट्रेट, और ये इससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फॉर्मेशन हो रहा है आपका रेट कॉन्स्टेंट K1 पे। दूसरा है आपका एंजाइम सब्सट्रेट से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है, ओके, ई, और यहाँ पे आपका एस, उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हो रहा है आपका K-1 पे। तीसरा है आपके पास एंजाइम सब्सट्रेट, ओके, और इस एंजाइम सब्सट्रेट से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्लस आपका जो एंजाइम है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ K2, ओके। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हो रहा है, आपके पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे निकल रहा है। अभी इसका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत सिंपल है। अगर सबसे पहले का अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये क्या हो गया, आपके पास डीई अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पे आपका माइनस साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डीई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डी ई, ओके, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ई एस आ जाएगा अपॉन यहाँ पे आपका डी टी इज इक्वल टू प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, ये आपके पास एक रिएक्शन आ गया। तीसरा आपके पास एक और आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस डी ई एस अपॉन यहाँ पे आपका डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा डी ई अपॉन डी टी
इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू, और यहाँ पे आपका ई एस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अगर आपको यहाँ पे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा है कि किस तरीके से इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, ओके, तो उसका आप रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको किससे देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन से देखना है। तो अगर आप तीनों रिएक्शन को देखो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आप सिंपली इसको किस तरीके से लिख सकते हो, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू, ओके, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई और एस, ठीक है। इस तरीके से आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आएगा वो इस तरीके से आने वाला है, ओके। अभी इस चीज के अंदर आप एक चीज पे ध्यान दो, ये आपका ई एस क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट है, ओके। और आपने हमेशा देखा था कि इंटरमीडिएट अगर आएगा तो उस चीज को अगर आप निग्लेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो मेथड थे, ओके। पहला था आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, दूसरा था आपका प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, आपके पास डी ई एस अपॉन यहाँ पे आपके पास डी टी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के वन, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ई, और यहाँ पे आ जाएगा एस, सभी को जो रेट कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, के माइनस वन और नेगेटिव कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ई एस, ओके, माइनस आपके पास के टू, यहाँ पे आपके आ जाएगा ई एस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, माइनस के माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, माइनस के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, जो आप आफ्टर अप्लाइंग जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, तो आपका इस तरीके से क्या होगा, ये एक फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। आपको एक चीज पता है कि जो आपके पास ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आपके पास फ्री एंजाइम, ठीक है, ये आप ध्यान से लिख लो, फ्री एंजाइम प्लस आपका जो बॉन्डेड होता है, ओके, बॉन्डेड एंजाइम होता है वो, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करो, सिंपली आप प्लस कर दो, तो जो ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास फ्री एंजाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई प्लस आपका जो बॉन्डेड एंजाइम है, जो किसके साथ बॉन्ड है, सब्सट्रेट के साथ बॉन्ड है, तो ये आपका आ जाएगा। ई नॉट की तो वैल्यू आपके पास मिल गई, ओके। और सिंपली अगर आपको सिर्फ ई की वैल्यू चाहिए तो आप ई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ई नॉट माइनस आपका ई एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो ये है वैल्यू है वो आ गई ई की। तो आप क्या करो, सिंपली जहां पे आपका ई नॉट है वो ई नॉट की जगह पे आप क्या करो, जहां सॉरी जहां पे आपका ई है वहां पे आप ई नॉट माइनस ई एस क्या करो, पुट कर दो, ओके। तो आपके पास जो एक्चुअल यहाँ पे जो एक तरह रिएक्शन था वो क्या था, आपके पास जीरो इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे था के वन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ई नॉट, यहाँ पे आपका ई माइनस आपका के माइनस वन, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, ओके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, माइनस आपका के माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, ओके, और यहाँ पे माइनस के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस आ गया, ओके। तो ये वैल्यू आपको मिली। अभी इस वैल्यू को आप क्या करो, कंपेयर कर दो, यानी सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको टर्म इस साइड लेके आना है, ओके, लेफ्ट साइड, तो आप लेफ्ट साइड क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस के माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस प्लस आपका के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस, ओके, ये वैल्यू आ गई आपको। अभी इन दोनों वैल्यू को अगर आप कंपेयर भी करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा के वन ई नॉट, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, ठीक है, इस तरीके से,
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, यहाँ पे प्लस आपका K-1 प्लस आपका K2। ओके, इस तरीके से आपके पास क्या होगा, एक रिएक्शन होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास ई एस की वैल्यू यहाँ पे होगी। और इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 पहले ही आपने देखा था, जो आपका पहला निकला था वो था। ओके, अगर आप ई एस की वैल्यू को अगर आप प्रोडक्ट में यहाँ पे ऐड कर दोगे, ओके, तो प्रोडक्ट में ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे पहले जो आपके पास डीपी अपॉन डी टी था उसकी वैल्यू क्या थी, आपके पास डीपी अपॉन डी टी था उसकी वैल्यू थी आपके पास K2। ओके, K1 यहाँ पे आपका ई नॉट और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था, एस था, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, K1 यहाँ पे आपका एस कॉन्सेंट्रेशन प्लस K-1 प्लस आपका K2। ओके, ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास थी, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं। और इस चीज को ही हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो हमारा रेट का वैल्यू आता है वो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, अभी इस चीज को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके पास डी पी अपॉन डी टी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास K2। ओके, K1 यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, यहाँ पे आपका एस, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस आपका K-1 प्लस आपका K2। ओके, ये वैल्यू आपके पास थी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 3 और 4 को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 1 को डिवाइड करते हैं, तो 3 और 1 को डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखो, डिवाइड बाय K1 इन बोथ साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, K1 से बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे। अगर हमने K1 से बोथ साइड को डिवाइड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देखो, ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1, यहाँ पे आपके पास K1 और यहाँ पे आपके पास है K2, ब्रैकेट के अंदर ई नॉट, ओके, यहाँ पे आपके पास एस डिवाइडेड बाय K1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस आपका K-1 प्लस आपका K2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय K1। ओके, इस तरीके से आपका एक पूरा जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास बनेगा K2, ओके, ई नॉट, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस और नीचे क्या बनेगा आपका ई यहाँ पे ब्रैक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एस प्लस आपका K-1 प्लस आपका K2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। ओके, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे ये पूरे टर्म को अगर आप देखते हो ना, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं मिचालिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं, और ये मिचालिस मेंटन कांस्टेंट को हम लोग KM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी आपने सीखा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं के सॉरी इसको हम लोग कहते हैं K-1 प्लस आपका K2 डिवाइडेड बाय K1। ओके, तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मिचालिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो मिचालिस मेंटन कांस्टेंट। ओके, तो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मिचालिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो K2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका ई नॉट है, यहाँ पे ब्रैकेट में एस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस है प्लस आपका ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, के एम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन में अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो ये चेंज करके आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप जो मिचालिस मेंटेन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो ये। ओके, तो सिंपली आपका जो के एम की वैल्यू होगी, के एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, K-1 प्लस आपका K2 डिवाइडेड बाय K1। ओके, ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ अगर मिचालिस मेंटेन की कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी रेट की, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि आपने देखा था ये फॉर्मूले से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको आते हैं नेट के अंदर, या हम आप आगे जाके देखेंगे भी, सीखेंगे भी कि
कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस के ऊपर। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, आई होप कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, अभी इसी रिएक्शन को लेके, इसी फॉर्मूले को लेके दो ग्राफ भी आते हैं। ओके, यानी दो ग्राफ कैसे हो सकते हैं कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ओके, जो हमने मिचालिस मेंटन कांस्टेंट निकाला है यहाँ पे, उस चीज को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो ग्राफ आप पढ़ते हो। ओके, ये दो ग्राफ कौन से हैं? जैसे अगर आपको यहाँ पे रेट की वैल्यू लिखी है, ओके, तो रेट की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेट की वैल्यू है, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी के वन, ओके, ई नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस आपका के एम। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ, जब आप एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में आप जब भी कुछ भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो, तो आपको ऐसे ही आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सीएसआई या नेट या गेट में देखने के लिए मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका एंजाइम कैटलिस्ट, तो आप इस चीज को ये नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मिचेल मेंटिस, अगर आप इसके कांस्टेंट की बात करते हो के, अगर हम इसको थेरोटिकली रिप्रेजेंट करें, तो थेरोटिकली इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, अभी ये चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम क्या है, ठीक है, ऑफ सब्सट्रैक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको इसके अंदर क्या लिखा है कि जो आपके पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट है, उसका मतलब क्या होता है? अगर आप इस अगर आप यहाँ पे इक्वेशन पे आओगे ना, इक्वेशन को अगर आप समझोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आएगा। ओके, इक्वेशन में क्या है आपके पास, रेट ऑफ सब्सट्रेट्स जो एंजाइम के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से डीकम्पोज हो रहा है, और डीकम्पोज होके क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आपका एंजाइम सब्सट्रेट कर रहा है। ओके, और ये एंजाइम सब्सट्रेट्स जब फॉर्मेशन में आ रहा है तब यहाँ पे जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या है आपके पास, के माइनस वन। ओके, और जब एंजाइम सब्सट्रेट्स वापस से डीकम्पोज होके यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है उसमें आपका जो एंजाइम सब्सट्रेट्स है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे के टू है। ओके, एक तो आपका इस तरीके से प्रोसेस जाएगा, ये आपका एक क्या है आपका डिकम्पोजिशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ऑन के माइनस वन, सॉरी के माइनस वन पे, और आपका यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आपका क्या हो रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आप इस चीज को क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को हम ये कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन आएगा और यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन आएगा। ओके, दोनों चीजें क्या हो रही है, एंजाइम सब्सट्रेट से यहाँ पे फॉर्मेशन में जा रही है। ओके, मतलब डिकम्पोज होके ये फॉर्मेशन में हो रहा है, और जब आपका जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट, यानी एंजाइम सब्सट्रेट का कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम है, दूसरा एक सब्सट्रेट है, और इसके कारण क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, विच इज के वन। ओके, तो जो फॉर्मूला है आपके पास के एम का, वो फॉर्मूला भी आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको इसके लिए हमने इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करके बता दिया। ओके, तो इसका जो फाइनल एक रेट इक्वेशन होगा, वो रेट इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस चीज को आप नोट कर लेना, वो क्या आ जाएगा आपका के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एंड प्लस आपका यहाँ पे के एम। ओके, जिसमें आपकी के एम की जो वैल्यू है वो है आपके पास के माइनस वन, ओके, प्लस आपके पास के टू, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास के वन। तो ये आपके पास क्या है, दो फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करने वाले हो आपके क्वेश्चन के अंदर। हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, आपको वो भी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं सीएसआई या नेट के अंदर, वो भी चीजें यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ओके, अभी ये सारी चीजों के ऊपर दो ग्राफ भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो ग्राफ कौन कौन से हैं वो ध्यान में देखते हैं हम लोग। ओके,
अगर आप यहाँ पे पूरा अगर आप इक्वेशन देखोगे तो ये पूरे इक्वेशन के ऊपर आपको दो ग्राफ मिलते हैं। पहला जो ग्राफ होता है वो होता है आपका रेट, ओके, रेट वर्सेस आपका सबस्ट्रेट, ओके, रेट वर्सेस आपका जो सबस्ट्रेट का जो ग्राफ होता है वो आपको ग्राफ देखने के लिए मिलता है, और इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं मिचेल्स, ओके, मैचेलिस मेंटन ग्राफ, ओके, मैचेलिस मेंटन प्लॉट भी आप कह सकते हो। तो इस ग्राफ को हम लोग मैचेनिस मेंटन प्लॉट कहते हैं। और आपके पास एक और ग्राफ होता है जो दूसरा वाला ग्राफ होता है, जो होता है आपका वन अपॉन रेट, ओके, वर्सेस वन अपॉन सबस्ट्रेक्ट का, ओके। तो ये दूसरा ग्राफ होता है जिसको हम लोग लाइन वेवर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ के बारे में आज हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, कि ये दोनों ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, इन ये दोनों ग्राफ किस तरीके से आप स्टडी करते हो, दोनों ग्राफ में आप किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन आप देखते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है वो है हमारा मिचेल्स मेंटन प्लॉट ग्राफ, ओके। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहला ग्राफ है वो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो है आपके पास, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं मिचेल्स मेंटन प्लॉट ग्राफ, ओके। और ये ग्राफ होता है आपका रेट वर्सेस सबस्ट्रेट का, ओके। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज को, कि अगर आपको कभी भी मिचेल्स मेंटन प्लॉट ग्राफ के बारे में पूछा तो वो मिचेल्स मेंटन प्लॉट ग्राफ होता है आपका रेट वर्सेस आपका सबस्ट्रेट, ओके। तो ये चीज आप हमेशा नोट करके रखना। अगर हम लोग रेट के बारे में बात करें तो हमने रेट का जो इक्वेशन है उसको हमने निकाला है, उसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास K2, ओके, और ई नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस आपके पास के, ओके। ये आपके पास पूरा एक इक्वेशन होता है जो है आपका रेट कॉन्स्टेंट का, ओके। अभी इस रेट कॉन्स्टेंट के हिसाब से जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। आपका जो ग्राफ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह आपका वाई एक्सिस हो गया, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओके। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको क्या बोला था, एक्स एक्सिस पे बोला था आपको सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सबस्ट्रेट डाल देते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या था आपका रेट था, ओके। तो ये आपका एक वैल्यू था, अगर आपका रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका सबस्ट्रेट भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें जो ग्राफ आता है ना, वो ग्राफ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ इस तरीके का होता है, ओके। यानी पहले ये तो इंक्रीज होता है इस तरीके से, लेकिन कुछ दूरी पे जाकर ये क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिचेल मेंटन प्लॉट ग्राफ में देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है जहां पे आपका ए से अगर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो सपोज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास अगर आप इसका रेट कांस्टेंट देखोगे तो इसका रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा के ए आएगा, ओके। और इसका जो डिग्री आएगा यानी कौन सा ये है वो तो 0 डिग्री रिएक्शन है, ओके। अगर आप इसका जो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो सिंपली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास के आ जाएगी, ओके। तो सिंपली इस केस में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप देखते हो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखते हो, तो उस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको इस तरीके का एक जो रेट कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ओके। ये रेट कांस्टेंट को हम लोग तीन तरीकों से सॉल्व करते हैं, तीन केस से हम लोग इस पूरे ग्राफ को स्टडी करते हैं, ओके। वो तीन केस क्या क्या है वो यहाँ पे हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप केस नंबर वन की बात करो, ओके, ये जो आपका केस वन है, ओके, केस वन में कैसा होता है कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो यहाँ पे, अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन हो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, अगर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट है, ओके, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है सबस्ट्रैक्ट और जो आपका मिचेल मेंटन कांस्टेंट है उसके बीच में ही, ओके। अगर आपका सपोज यहाँ पे रेट ऑफ जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रैक्ट से अगर वो बहुत ज्यादा हाई है, ओके, तो बहुत ज्यादा हाई है तो रेट ऑफ सबस्ट्रैक्ट क्या होगा आपका बहुत ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू आपका के, ओके, मिचेल्स मेंटन कांस्टेंट के।
तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि केएम को हम लोग एक तरह से निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अगर हमने इस तरीके को केएम को अगर हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट का जो एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन क्या मिलेगा आपके पास, के टू, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक क्या होगा, इक्वेशन आपके पास बनेगा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ओके, कि यहाँ पे आपका जो के एम की वैल्यू है, वो के एम की वैल्यू क्या होगी, इसके इससे बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है एस से। इसके लिए हम लोग ने इस चीज को कंपेयर ही नहीं किया, इस चीज को हमने निग्लेक्ट कर दिया, यानी इसको हमने माना ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, अगर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन पे अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इस सिंपली इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो इसका जो एक रेट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, और यहाँ पे अगर हमने एस भी लिया, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इसके लिए इस रिएक्शन को, इस रेट कॉन्स्टेंट को ऑन द केस वन जिसमें आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम लोग एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ओके, जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये एक पहला केस था। अगर आप केस टू पे जाते हो, सपोज यहाँ पे आपका केस टू अगर हम लोग लिखते हैं, होते ये आपका केस टू है। ओके, पहले में हमने देखा था कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। अगर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं, यानी आपका जो दूसरा होगा वो होगा आपका लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जो आपका के एम की वैल्यू है, वो के एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी अभी इस केस में क्या होगा कि आपका जो रेट बनेगा, ओके, रेट क्या बनेगा आपके पास, के टू होगा, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, ये आपके पास बनेगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आपके पास एस था, लेकिन एस को हमने क्या किया, यहाँ पे अभी निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है और के एम क्या है आपके पास, बड़ा है। ओके, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, इक्वेशन बन रहा है, जिसके अंदर सब्सट्रैक्ट्स का जो रेट ऑफ ये है नंबर है वो 1 है। ओके, तो इस तरीके से इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं। उसी तरीके से हम जो केस नंबर 3 है उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, जो आपका केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट है, उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं जो मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है उसके बराबर में। ओके, अगर हमने ये दोनों को बराबर कर दिया, तो क्या आप इसका रेट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ओके, तो इसका रेट क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास के टू है, ओके, यहाँ पे आपके पास ई नॉट है, यहाँ पे आपके पास सब्सट्रैक्ट है। अगर हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके, प्लस आपका एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अगर इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका के टू आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट, ओके, यहाँ पे आपका एस, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 1s, 1s कितना हो जाएगा आपके पास, 2s यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अगर ये एस और एस को अगर हमने कट भी कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, के टू, ओके, यहाँ पे आपका ई नॉट, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अभी सिंपली अगर आप रेट निकालना चाहते हो, तो रेट भी आप निकाल सकते हो। इस चीज को जो आपका यहाँ पे ग्राफ है, ओके, इस ग्राफ में अगर आप ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं आर इज इक्वल टू के टू ई नॉट। ओके, जहां पे क्या हो गया आपका ए, और जहां पे आपका सबस्ट्रेक्स और जो आपका ये है मैचेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, इक्वल है। और इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर मैक्स पॉइंट कहते हैं, जहां पे आपका क्या है, रेट ऑफ, जहां पे रेट ऑफ सब्सट्रैक्शन यानी रेट आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सबसे मैक्स होगा। ओके, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आर मैक्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, के टू, और यहाँ पे जो एक ई नॉट है, या एक तरह से आप एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हो, तो इस चीज को हम लोग आर मैक्स भी लिख सकते हैं, ओके, अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे जो केस 3 आया, केस 3 में जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिला, वो क्या मिला, यहाँ पे आपके पास ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मिला है। ओके, तो ये तो आपको, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ के आ गया होगा कि
कि किस तरीके से हमने ये तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिया, ये इन द केस ऑफ टू। ओके, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। आपको जितना भी यहाँ पे रेट दिया है वो सभी को आपको क्या करना है, याद करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक जो समरी होती है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना महसूस हो। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, इसको आप क्या करो, नोट कर लो। आप अगर आपके पास स्टिकी नोट्स होता है तो उसके अंदर आप इस चीज को नोट कर सकते हो। ओके, ये आपके पास क्या हो गई, समरी हो गई। ओके, यानी पूरे जो आज वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा बोल्ड लिखूंगा ताकि आप इस चीज को ध्यान से देखें। ओके, इसको थोड़ा सा बोल्ड इसके लिए ही लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से यहाँ पे देख सके। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था रेट। ओके, और उसका फॉर्मूला हमने डिसाइड किया था, उसका फॉर्मूला क्या हमने निकाला था, K2। ओके, यहाँ पे E नॉट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S निकाला था, और डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस आपका KM। ओके, ये हमने एक वैल्यू हमने निकाला था जिसके अंदर जो हमारा मिचेल्स मेंटल जो कॉन्स्टेंट था KM, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी हमने दिया था, थेरोटिकल फॉर्मूला, कि किस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने तीन ग्राफ देखे, वो ग्राफ कौन कौन से थे वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। वो ग्राफ भी हमने तीन केस के ऊपर देखे थे, जिसमें आपका जो केस नंबर वन था, ओके, जो आपका केस नंबर वन था उसके अंदर हमने देखा था कि ये क्या होता है, आपका जीरो होता है, जीरो ऑर्डर का होता है आपका। ठीक है, और इसका जो वैल्यू जिसमें सबस्ट्रैक्स होता है, सबस्ट्रैक्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू आपका KM। ओके, उसी तरीके से हमने फिर केस टू देखा था। केस टू के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, केस टू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो आपका सबस्ट्रैक्स होगा वो सबस्ट्रैक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कम्पेयर टू KM। ओके, उसी तरीके से हमने फिर केस थ्री देखा था। ओके, और केस थ्री में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका, ये आपका ऑर्डर नहीं होगा, ये यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका सबस्ट्रैक्स होगा ना, वो सबस्ट्रैक्स इक्वल होगा आपके मिचेल्स मेंटन कॉन्स्टेंट के, और इससे आपको एक वैल्यू मिल रही थी जो थी आपके पास रेट वैल्यू, और ये रेट वैल्यू थी आपके पास आर मैक्स। ओके, डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पे अगर आप आर मैक्स की वैल्यू को अगर आप देखो तो आर मैक्स की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास K2 यहाँ पे E नॉट। ओके, तो इस चीज को भी आप क्या करो, यहाँ पे आप नोट करके रख लो, क्योंकि आपको आर मैक्स कभी कभी निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप उसके अंदर कंफ्यूज ना हो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला ये दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसकी वैल्यू आप लिखो, तो आपको इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हम कुछ और जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं। आपके पास एक वैल्यू थी KM की, जिसको हम लोग कहते हैं मिचालिस मेंटन कॉन्स्टेंट। ओके, मिचालिस मेंटन कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मिचालिस मेंटन कॉन्स्टेंट हो गया। उसके बाद दूसरा था आपके पास E नॉट था, जिसको हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और तीसरा था आपके पास S था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो आई थिंक ये तीनों आपको जो समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने ये सारी चीजों को यहाँ पे देखा है फॉर मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट के बारे में। ओके, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हमारा जो दूसरा ग्राफ था। ओके, जो ग्राफ नंबर टू था। ठीक है, ग्राफ नंबर टू, तो ग्राफ नंबर टू के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो था आपके पास वन अपॉन रेट। ओके, वर्सेस आपका वन अपॉन सबस्ट्रेट। ओके, ये आपके पास क्या था, दूसरा ग्राफ था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, लाइन वीवर ग्राफ भी कहते थे। ओके, तो ये बहुत ही कमाल का ग्राफ होने वाला है, इसके अंदर भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, तो ये जो लाइन वीवर ग्राफ है, इसके अंदर भी आपको अलग अलग केस है या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारा जो लाइन वीवर ग्राफ है, उसका ग्राफ का आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दिया है। वो वैल्यू क्या है, वन अपॉन रेट
वर्सेस वन अपॉन सबस्ट्रेट। ओके, तो इस केस में आपके पास रेट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, रेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, वो क्या है आपके पास के टू ई नॉट, और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेक्स प्लस आपका के एम है। ओके, ये वैल्यू आपको क्या है दिया है। अभी इस केस में आपके पास ग्राफ कैसे निकलेगा वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ इसका निकालने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ये आपका सपोज यहाँ पे ग्राफ, हम लोग ग्राफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, जिसमें आपका एक्स और वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे दिया है। अभी ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका वन अपॉन आर है और यहाँ पे आपका वन अपॉन एस है, ठीक है। अभी यहाँ पे वन अपॉन आर और वन अपॉन एस में अभी हम सॉल्व करेंगे कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा, आप उसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या आ जाएगा, उसका स्लोप क्या आएगा, ओके, उसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी। ओके, तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी हम ये सारी चीजों को यहाँ पे समझ पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी इस, ये आपके पास रेट कॉन्स्टेंट है, अभी रेट कॉन्स्टेंट को हमने क्या किया, इनवर्स कर दिया, ठीक है, यानी वन अपॉन रेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो नीचे की वैल्यू है वो आपके पास ऊपर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्लस के एम हो जाएगा और ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास नीचे आ जाएगी। ओके, ई नॉट और यहाँ पे आपके पास एस आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा आपका, इस तरीके से आपने क्या किया, वन अपॉन जो आर है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सिंपली आपका जो वन अपॉन आर है, जिसको हम लोग वन अपॉन रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एस अपॉन, यहाँ पे आपके पास के टू ई नॉट, यहाँ पे आपके पास एस प्लस आपका यहाँ पे आपके पास के एम डिवाइडेड बाय आपके पास के टू ई नॉट एस, ठीक है, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ से आपका एस एस क्या हो गया, कट हो गया जो सब्सट्रैक्ट था, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, वन अपॉन के टू ई नॉट बचा, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ क्या बचा, के एम डिवाइडेड बाय के टू ई नॉट, यहाँ पे आपके पास सब्सट्रैक्ट बचा, ये आपके पास बचा। अभी यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, जो है आपके पास के टू ई नॉट, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने मिचालिस मेंटन कांस्टेंट के अंदर निकाली है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास आर मैक्स है, वो आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं। इसको हम लोग क्या आर मैक्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग आर मैक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर मैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास प्लस के एम डिवाइडेड बाय आपके पास के टू ई नॉट, और यहाँ पे एस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन आर हो जाएगा। ओके, अभी इसको हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको आप इंटरचेंज करके वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यही फाइंड करना था कि यहाँ पे आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास वन अपॉन आर है, ठीक है, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन सबस्ट्रैक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ये है आपके पास इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वन अपॉन आर मैक्स है, ठीक है, आपके पास जो स्लोप है, ओके, वो स्लोप की वैल्यू क्या है आपके पास के एम अपॉन के टू, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या है वैल्यू है। अभी इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप होने के कारण ये क्या होगा, एक ऊपर की तरफ ग्राफ क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ का नेचर आपको इस तरीके से दिखता है, स्ट्रेट लाइन आपको एक ग्राफ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो आपका स्लोप होता है वो होता है आपका के एम यहाँ पे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के टू, ये आपका ग्राफ है। इसकी जो वैल्यू है, जो आपका इंटरसेप्ट है, वो क्या है आपके पास वन अपॉन, ये आर मैक्स भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये वन अपॉन आर मैक्स आएगा, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस पूरे ग्राफ को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो, प्लॉट करते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो रेट कॉन्स्टेंट लिख रहे थे वो आपने देखा, साथ में एंजाइम कैटलिस्ट को देखा, आपने सभी चीजों को यहाँ पे अभी देख लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, जो हम कुछ क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये सी एस आई आर नेट में आया था, ओके, ये कब आया था आपको, 2018 के पेपर में आपको देखने के लिए मिला था, जून के, ओके। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आपको कोई एंजाइम कैटलिस्ट दिया जाता है, ओके, यहाँ पे आपके पास कोई एक एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन दिया है, ओके। यहाँ पे आप रिएक्शन को बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक जो कंडीशन है वो भी आपको दी है, और ये कंडीशन आपका किससे मैच होता है, ये कंडीशन मैच होता है आपका लाइन वीवर प्लॉट से, ओके। तो ये आपका क्या है, लाइन वीवर प्लॉट है, तो आपको ये तो समझ गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके। तो लाइन वीवर प्लॉट का जो ये है, ओके, उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन के टू ई नॉट प्लस आपका के एम अपॉन के टू ई नॉट, यहाँ पे आपके पास क्या है, सबस्ट्रेक्ट है। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर आपको ये पता है कि इसके अंदर जो सी है, ओके, इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, ओके। और इंटरसेप्ट क्या होता है, इसमें वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसकी जो वैल्यू है वो ये है आपके पास के टू ई नॉट, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे दिया हुआ है आपको गिवन में, वो है आपके पास 10^-2, ओके। उसके बाद आपके पास स्लोप की भी वैल्यू दी है, स्लोप क्या है आपके पास एम इज इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाय आपके पास के टू ई नॉट, यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रैक्ट, और इसकी वैल्यू आपको दी है 10^-2 दी है, ओके। तो दोनों की वैल्यू आपके पास दी है, साथ में आपके पास जो ई नॉट है उसकी भी वैल्यू आपको दी है, वो है आपके पास 10^-6 मीटर, ओके। और के माइनस वन अपॉन के टू की भी वैल्यू दी है, वो है आपके पास 1000, ओके। आपको क्या करना है, जो के वन की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। यही आपको ये पूरे क्वेश्चन के अंदर पूछा है, बहुत सिंपल है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और एक एक करके इसको देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आता है, ओके। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द जो मिचल मैंटन कॉन्स्टेंट है उसका जो फॉर्मूला है आपके पास, के माइनस वन प्लस आपका के टू, ओके, डिवाइडेड बाय आपके पास के वन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक एक वैल्यू को निकालना होगा, और इसे अगर आप के वन को निकालते हो तो के वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, के माइनस वन प्लस आपका के टू डिवाइडेड बाय आपके पास के एम, ओके, ये वैल्यू हो गई। और आपके पास पता है कि हर एक वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, ओके, चाहे आपका के वन के माइनस वन हो, के टू हो, या के एम है, इसमें से आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी है। आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको के माइनस वन फाइंड करना है तो के माइनस वन आपको कहाँ पे दिख रहा है वो आपको सबसे पहले देखना होगा, ओके। तो के माइनस वन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, के माइनस वन दिख रहा है, ठीक है। के टू कहाँ दिख रहा है, के टू आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको इससे आपको के टू निकालना होगा। के एम कहाँ दिख रहा है, तो के एम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सीएसआई या नेट के अंदर। आप सोचोगे कि सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सभी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे के एम की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो के एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपके पास उसको हम लोग यूज करेंगे, ओके। फॉर के एम, तो के एम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, के टू ई नॉट, यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास ये है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास के एम, यहाँ पे आपके पास के एम के टू, और यहाँ पे आपके पास ई नॉट, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी है, ओके। और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 10^-2, ठीक है। अभी इस वैल्यू से हम लोग क्या है, के एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के एम इज इक्वल टू 10^-2, ओके, मल्टीप्लाई बाय के टू, ई नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई नॉट की वैल्यू है 10^-6 है, ओके। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के टू की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये करनी है, दी है, ओके। के टू क्या है आपके पास, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग ये करते हैं, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि हमने एक स्टेप क्या किया है, मिस कर दिया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, और वापस मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला दिया है, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग के टू फाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वन अपॉन के टू ई नॉट दिया है, जिसकी वैल्यू दी है आपके पास 10^-2, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको के टू की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली निकाल सकते हो, के टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन 10^-2 ई नॉट आ जाएगा, ओके।
यहाँ पे 10^2 2 क्यों हो गया, वहां पे -2 था क्योंकि ये आपको डायरेक्ट था, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो ये 10^2 हो जाएगा, -2 हट जाएगा। सिंपली यहाँ पे अगर आप K2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10^2 मल्टीप्लाई बाय 10^2 क्या है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास 10^4 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या है, -6 है, तो सिंपली अगर आप ऊपर लेके जाते हो इसको तो ये 10^4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास K2 की वैल्यू आ गई, वो है आपके पास 10^4। अभी K2 की वैल्यू आने के बाद क्या हम लोग KM की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो KM के लिए हम लोग जो यूज करेंगे फॉर KM, ओके, KM के लिए, ये आपके पास K2 के लिए था, तो KM के लिए आपके पास फॉर्मूला है K2, यहाँ पे E नॉट, और यहाँ पे आपके पास ये सॉरी सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करेंगे फॉर KM के लिए। ओके, और यहाँ पे KM के लिए आई थिंक क्या करते हैं हम पूरा ही इस्तेमाल करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, KM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास E नॉट हो जाएगा। ओके, और सॉरी यहाँ पे KM डिवाइडेड बाय E नॉट है, ठीक है, ये S नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपके पास KM की जो वैल्यू है वो अगर आपको निकालनी है तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपके पास K2 की वैल्यू है आपके पास 10^-2, और यहाँ पे आपके पास 10^4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10^-6 इस तरीके से आएगा, और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10^-4 होगी, जो है आपके पास KM। ठीक है, तो KM की वैल्यू भी यहाँ पे आपने निकाल ली। अभी आपको निकालना है K-1, ठीक है, तो K-1 की भी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे उसके। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला कैसा है फॉर K-1 के लिए, तो K-1 डिवाइडेड बाय आपका K2, K-1 अगर आपको निकालना है तो K-1, ओके, K-1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अभी सिंपली क्या करते हैं, K-1 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय K2, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10^4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10^7 पावर K-1। ओके, तो ये भी आपके पास K-1 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे आ गई। ओके, अभी आप सारी के सारी जो वैल्यू है अगर आपके पास आ गई तो आप आसानी से K1 की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो K1 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, आपके पास K-1 + K2 डिवाइडेड बाय आपका KM। ओके, यहाँ पे आपके पास K-1 की वैल्यू है जो है आपके पास 10^7, और K2 की वैल्यू है आपके पास 10^4, ठीक है, और KM की वैल्यू है आपके पास 10^-4 है। ओके, सिंपली अगर आप यहाँ पे ये करते हो, अगर आप इस 10^4 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 10^7 प्लस आपका 10^4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10^4, और ये हो जाएगा आपका सिंपली 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका आई थिंक 7 * 4 = 11। आप इस चीज को एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10^4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10^11। ओके, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा फॉर K1। ठीक है, तो आपको K1 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल गई, जो हमें क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप हल्के दिमाग से, शांत दिमाग से करोगे इस क्वेश्चन को तो आप बहुत इजिली ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है, वो आप ध्यान से देखो, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको CSIR नेट में पूछा था, CSIR में नेट में पूछा था, और ये आपको पूछा था 2017 के पेपर में, ओके, दिसंबर वाले में। ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपको, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है, फॉर स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1 अपॉन रेट वर्सेस 1 अपॉन सबसेट। ओके, जिसमें अगर आप देखोगे कि जो एंजाइम रिएक्शन है, एन एंजाइम रिएक्शन
आर 300, सॉरी 300 एंड 2.5, 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू 10^5। यहाँ पे इस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कर देते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, 2.2 इंटू 10^5 और द वैल्यू ऑफ मैचेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट आपको क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है, ओके। तो आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है मैचेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट का फॉर एंजाइम कैटलिस्ट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दिए थे, ऑप्शन क्या है आपके पास, 5 इंटू 10^6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया है 1.5 इंटू 10^3 मीटर, ओके। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके पास 5 इंटू 10^3 मीटर, ओके। ऑप्शन नंबर सी दिया है आप सॉरी ऑप्शन नंबर डी दिया है आपके पास 1.5 इंटू 10^-3 मीटर, ओके। तो ये आपके पास क्या थे, ऑप्शन थे। अभी इस चीज में अगर आप देखो तो इस चीज में भी आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीजें दी है, ओके। तो स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो हम क्या करते हैं, स्लोप यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है, रेट की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे 1/r। यहाँ पे आपके पास 1/k2ε0 प्लस आपके पास यहाँ पे Km/k2ε0 और यहाँ पे s। यहाँ पे आपके पास अगर आप देखो तो ये आपके पास y हो जाएगा, ये आपके पास c हो जाएगा, प्लस आपके पास m और x हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये दिया है, एक स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। तो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, 1/k2e0 होगी। और इसका जो वैल्यू दिया है वो आपके पास दिया है कितना, वो वैल्यू दिया है आपके पास 2 इंटू 10^5 दिया है, ठीक है। और दूसरा आपके पास दिया है स्लोप जो है आपके पास m, और m की वैल्यू क्या है आपके पास, Km/k2e0, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 300 दी है, ओके। तो आपको क्या करना है, यही सारी बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके आपको ये निकालना है, जो इसका एंजाइम कैटलिस्ट का जो मिचालिस मेंटेन कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पे निकालना है, यानी के एम की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, ठीक है। अभी के एम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास के एम ये ऑलरेडी है, तो इसकी मदद से आप के एम की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या चाहिए, यहाँ पे के टू की वैल्यू चाहिए, ओके। के टू की वैल्यू चाहिए और साथ में आपके पास ई नॉट है, वो भी आपको चाहिए होगा। तो ई नॉट और के टू की वैल्यू दोनों चाहिए है। तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, के एम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, यहाँ पे के टू ई नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 300 है, ओके। तो यहाँ पे हम के एम की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/k2e0 हो जाएगा, ओके। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास के एम, ओके। और यहाँ पे आपके पास 1/k2e0 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी है, ओके। वो वैल्यू क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू को यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं, 2 इंटू 10^5, ओके, इज इक्वल टू 300। और यहाँ पे सिंपली अगर आपको सिर्फ के एम की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 300 से। तो 300 डिवाइडेड बाय 2 × 10^5, ठीक है। अभी इसको अगर हमने डिवाइड किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी के एम की, तो के एम इज इक्वल टू 3/, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 10^3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1.5 × 10^-3 आएगी, ओके। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एक फाइनल जो वैल्यू आ रही है आपको इस इक्वेशन की, इस क्वेश्चन की, जिसमें आपको मैचेलिस मेंटन कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया था, ओके। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी। यहाँ पे मैं आपको अपना जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ। अगर आपको कभी कुछ जरूरत होगी स्टडी रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8668896708, ओके। तो ये आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी स्टडी रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ और दिक्कत होगी तो प्लीज आस्क मी। आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप जहां चाहें वहां हम सब जगह अवेलेबल है, आप वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके सारे के सारे डाउट है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कुछ भी, अगर फिर कुछ कहें कुछ भी लगता है, तो अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। यहाँ पे आपको जो पूरा CSI या नेट केमिकल साइंस है और गेट का जो पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन है आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।